नमस्कार, मैं संतोष चौहान राखी के अवसर पर केवल 2 मिनट में बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी आज देने जा रही हूँ, जिसमें सच में आपको केवल 2-3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और खाने में है ये बहुत ही स्वादिष्ट, यानी बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं कैसे बनाया है इसको। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 कप मलाई, ये घर की मलाई है जो दूध में से निकाली जाती है, वही मलाई है। तो 1/2 कप हमने मलाई ली है और गैस कुकर दिया है ऑन। अब लो फ्लेम पर हम मलाई को 5 मिनट के लिए पकाएंगे, फ्लेम लो रखेंगे और 5 मिनट के लिए हमने मलाई को पकाना है। लो फ्लेम पर ही पकाना, मीडियम हाई मत करना। अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और जो मलाई है वो हमारी पक चुकी है और अब हम गैस को कर देंगे बंद। गैस हमने बंद कर दी है। अब मैं डाल रही हूँ, ध्यान रखिएगा गैस बंद है। अब मैंने डाला है इसमें 1 कप नारियल का चूरा, नारियल पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ना मिले तो घर में भी बना सकते हैं। सूखा नारियल आता है, उसको मिक्सी में आप पीस लेना ग्रेट करके। और ये डाला है मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर और 1/4 कप आप पीसी हुई चीनी ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, बूरा ले सकते हैं। मैं डाल रही हूँ खांड, जो लड्डुओं वगैरह में डाली जाती है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है ये भी। अगर ना मिले तो पीसी चीनी डाल सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से ये हमारा जो बैटर है वो होगा और इसके हम बना लेंगे अब लड्डू। इसमें आप इलायची पाउडर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे जो नारियल का जो टेस्ट है वही बहुत अच्छा लगता है। केवल 2 मिनट लगेंगे आपको और घर की मलाई से ही बन जाएंगे और जब आप इसे खाओगे ना तो बस खाते रह जाओगे, इतना स्वादिष्ट बनेगा। और मिल्क पाउडर अगर आप ना डालना चाहें, ना हो तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए जब मलाई को हम पकाते हैं तो उसमें जो मावा होता है, मावे का टेस्ट आता है मलाई पकने के बाद। तो देखिए स्वादिष्ट से हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं, वो भी बहुत ही जल्दी बनने वाले, फटाफट आप बना लोगे क्योंकि राखी पे वैसे भी बहुत काम होता है, इतने तामझाम होते हैं तो बहुत ज़्यादा समय ले ऐसी मिठाई हम नहीं बना पाते हैं। तो ये जो मिठाई है ये केवल आप 2-3 मिनट में बना लेंगे और घर की मलाई से बन जाएगा, इसमें घी की भी आवश्यकता नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।